आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ के रौनापुर थाना क्षेत्र के हिरनई गुल्लीगढ़ की निवासी पीड़ित महिला ने अपने बच्चों के साथ बुधवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ऑफिस पहुंची पीड़िता सबीना बानो के अनुसार उसके ससुराल वाले और पति दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। उसके दो बच्चे हैं जिनको साथ लेकर चले जाने के लिए कहते हैं। पीड़िता के अनुसार उसके पति ने जबरदस्ती उससे शादी की थी। पीड़िता की बहन की भी शादी उसी घर में हुई थी, जिसके चलते परिचय हुआ और परिजनों की मर्जी के खिलाफ उसका पति जबरन भगाकर ले जाकर शादी किया था। मैका भी छुड़वा दिया था। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको कहीं स्कूल में दाखिला भी नहीं दिलाया गया है, जबकि पीड़िता का पति जेठ के बच्चों को पढ़ाता है। पीड़िता की बहन की भी उसी घर में शादी हुई है, लेकिन इस मामले में वह मजबूर है। पीड़िता के अनुसार उसका पति उसको सऊदी अरब से डाक से 3 तलाक लिखकर भेज दिया है। अब ना तो ससुराल में रहने दी जा रही है और ना मैका भी उसका छूट गया है। अब वह कहां जाए, सुनते हैं पीड़िता ने इस मामले में क्या जानकारी दी। सबीना बानो कहाँ की रहने वाली है? हिरनई गुल्लीगढ़ थाना रौनापार। किस चीज को लेकर आपने ज्ञापन दिया यहाँ पे एसपी साहब? और मेरे शौहर जो है जबरदस्ती तलाक दिला रहे हैं, मेरे घर वाले मिलके जबरदस्ती उन लोग से कर रहे हैं, मुझे दहेज नहीं लेकर आई है, इसी वजह से वो तलाक दिला रहे हैं। आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि वो लोग जो है हम लोग को जब से शादी थी अपनी मर्जी से शादी किए थे। लव मैरिज शादी? हाँ, वो जबरदस्ती में मुझे जो है मेरी बहन की धमकी की वजह से किए थे कि नहीं करोगी शादी तो मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगी, मरवा दूंगा और अपने भाई से छोड़वा दूंगा। तो धमकी दे के हमसे शादी जब 1 बजे दिन में लेकर भाग गए थे घर से, मेरे भाई भी छोड़ दिए थे वो लोग। उस टाइम जब शादी करके लेकर चले गए तो मेरा मैका भी छोड़वा दिए थे वो लोग, मैका छोड़वा दिए। और उसके बाद जब वहाँ पर रहने लगी, जबरदस्ती बहुत रहती थी, बहुत सताती थे वो लोग, मेरे जेठानी भी और मेरे जेठ जो सब कुछ हैं सब बहुत सताते थे। वो तो आपकी बहन ही है ना? नहीं, तो एक मेरी बहन है ना, हम लोग 5 हैं। 5? क्या आपके हस्बैंड से आपकी बहन से कुछ है क्या? नहीं, मेरी बहन से नहीं, मेरे जो दो और जेठानी है ना उन लोग से है, उन्हीं लोग की बात वो सुनते हैं, जो कहती हैं वही सुनते हैं। क्यों आके मतलब कुछ चक्कर वगैरह है क्या? अब चक्कर है तब ना उनकी बातें सुनते, उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हीं बच्चों को खर्चा पानी देते हैं। अब मेरे इतने बड़े बच्चे हो गए, अभी तक कोई स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। ये तलाक का क्या मामला है? वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं रखना है इन लोग को, जो है दहेज नहीं लेकर आई है, जबरदस्ती इल्जाम लगा कर छोड़वा रहे हैं। फोन पे तलाक आया था? नहीं नहीं, डाक से भेजे हैं, एक पहला भेज दिए कागज डाक से और दूसरा प्रधान के पास है, अभी मेरे पास नहीं आया है। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसी घर में रहें और अपने इतने बड़े बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे, जब मैका भी छोड़वा दिए तो हम जाएंगे कहाँ लेकर इन लोग को। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।